ये देखिए आपके सामने बहुत ही दुखी आत्मा, लगभग डेढ़ दिन से परेशान हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं लगभग हाइट इतनी तगड़ी है, हम यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते, डर लग रहा है। और अभी मंदिर थोड़ी दूरी पर है और इस वक्त हमारी पीठ पर कम से कम 20-21 किलो वजन भी लदा हुआ है। अभी कल माइनस टेम्परेचर का सामना करना पड़ेगा, तो देखते हैं। बस कौन डंगा देना साडा साडा भाई। तेरे बहती गंगा काम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब ले। हेलो गाइस, हर हर शंभू। तो आज हम जा रहे हैं केदारनाथ। अभी हम हैं ऊना रेलवे स्टेशन पर और साथ में मेरे 2-3 दोस्त हैं, वो आगे हैं और एक दोस्त मेरे साथ है कमलजीत, ये हमारे साथ जा रहे हैं। अभी ट्रेन हमारी आएगी 9:50 पर आएगी कमल, 9:50 पर हमारी ट्रेन आएगी। और ये कुछ ऐसा व्यू है ऊना रेलवे स्टेशन। तो अभी गाइस हम अभी लंच कर रहे हैं, तो अभी आप थोड़ी देर में मिलते हैं बाद में। देखो कुछ ऐसा है लंच हमारा, ये हमारे कमलजीत और ये। ओके बाय, मिलते हैं बाद। गाइस अभी हम पुरानी दिल्ली जंक्शन पहुंच चुके हैं और अभी हम निजामुद्दीन के लिए रवाना होंगे। और हम निजामुद्दीन पहुंचने के बाद वहां से हरिद्वार के लिए ट्रेन लेंगे गाइस। और गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं निजामुद्दीन जंक्शन दिल्ली में और यहां से हरिद्वार के लिए ट्रेन हमें 10 बजे मिलेगी। तो यहां पर हम हरिद्वार के लिए जा रहे हैं, मैं और कमल जी और साथ में बंदे हैं हमारे कुछ, ये भी जा रहे हैं हमारे साथ। देखते हैं गाइस क्या होता है। बहुत इरिटेशन हुई हमें यहां पर, अगर पंकज होता तो उसे पता लगता है। वो कभी नहीं आता गाइस। मिलते हैं आपको हरिद्वार में, करते बाहर टक्कर। दोस्तों अभी नींद लगी है, देखते हैं। दिल्ली बताइए क्या हुआ आज आपके साथ? आज तो बहुत बुरा हाल है भाई। क्या हो गया? अभी पूछ रहे हैं कि कहाँ जा रहा है, इसकी सुनाई कर कर के। ये देखिए आपके सामने बहुत ही दुखी आत्मा, लगभग डेढ़ दिन से परेशान हो रहे हैं यात्री है। और अभी देखना पड़ेगा कि कितने दिन तक परेशान रहते हैं। और ये बहुत परेशान है क्योंकि भोलेनाथ इनका कड़ाई ध्यान दे रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आगे ब्लॉग में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं टपरी जंक्शन जो कि उत्तर प्रदेश में है। ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी, अभी अभी ट्रेन थोड़ी खाली हुई है। और गाइस मुजफ्फरनगर और मेरठ तक ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी, इसके कारण हम व्लॉग शूट नहीं कर पाए बीच बीच में। और ट्रेन अभी अभी खाली हुई है। और गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं रुड़की जंक्शन उत्तराखंड में और अभी 40 किलोमीटर का सफ़र और रहता है हरिद्वार के लिए। और ये हमारे कैमरामैन जी शिवम शर्मा जी बहुत खुश हैं, ये केदारनाथ जा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अभी। गाइस शाम ढल रही है और अभी हरिद्वार का डिस्टेंस 2-3 किलोमीटर रह गया है। अभी हम जल्दी ही हरिद्वार पहुंचने वाले हैं। अभी हम बैग पैक कर रहे हैं अपने। गाइस मिलते हैं दोस्तों अभी हरिद्वार में आपको। और गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार और अभी हम ऋषिकेश के लिए रवाना होंगे।
और गाइस अभी हम आगे का सफ़र अपना बस में ही कंटिन्यू करेंगे। और अभी हमने हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए बस ले ली है। और ये जो आप व्यू देख पा रहे हैं, ये हर की पौड़ी हरिद्वार का व्यू है नाइट के टाइम। तो दोस्तों मिलते हैं ऋषिकेश में। तो गाइस इस वक्त बज रहे हैं रात के 10 और अभी हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश बस स्टैंड। और हमें नाइट स्टे यहीं करना पड़ेगा क्योंकि पहली बस सोनप्रयाग के लिए सुबह 5 बजे चलती है। गाइस सभी को गुड नाइट। गाइस मिलते हैं सुबह। और आगे का रोड मैप कुछ इस प्रकार से रहेगा गाइस। तो गाइस गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और हम ऋषिकेश से करीब 20 किलोमीटर दूर निकल चुके हैं। एक रात ऋषिकेश बस स्टैंड में काटने के बाद हम थोड़ा बेचैन थे, थोड़ा बेआरामी थी। और अभी हमने 5:30 की करीब बस ले ली थी और मैं निकले हुए अभी 1-1.5 घंटा हो गया है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं कितना मनमोहक व्यू है पहाड़ों का। और पहाड़ों को देखकर शुभम जी क्या हुआ, मेरा दोस्त पूरा सहम सा गया है बड़े बड़े पहाड़ों को देखकर। और दोस्तों जल्द ही हम देवप्रयाग पहुंचने वाले हैं। और दोस्तों आपको हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों जगहों से आपको केदारनाथ के लिए प्राइवेट बसेस और गवर्नमेंट बसेस दोनों की फैसिलिटी मिल जाएगी गाइस। वैसे आपको प्राइवेट ही बढ़िया रहेगी क्योंकि उसमें चार्ज भी थोड़ा, किराया भी कम रहता है। और आपको टिकट के लिए भी लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है गाइस। सो प्राइवेट से ही, प्राइवेट बस में ही अपना सफ़र शुरू करूँ। और प्राइवेट बस सर्विस सुबह 5 बजे शुरू हो जाए। और गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। और आगे देवप्रयाग में एक बहुत ही मनमोहक और सुंदर स्थल है जहां की भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थल मौजूद है। तो आगे आप देख सकते हैं गाइस, अभी थोड़ी दूर रहा है संगम स्थल। और दोस्तों हम पहुंच गए हैं संगम स्थल भागीरथी और अलकनंदा का, जिसे कि बाद में संयुक्त रूप से गंगा के नाम से जाना जाता है। यही है वो पवित्र स्थान, ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान राम और उनके पिता दशरथ जी ने यहाँ तपस्या की थी। और ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर और मनमोहक दृश्य है। और दोस्तों इस स्थान के बारे में यह मान्यता है कि जब राजा भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतरने के लिए मनाया तो 33 करोड़ देवी देवता भी इस स्थान पर स्वर्ग से उतरे थे, इसीलिए इस स्थान को गंगा की जन्मभूमि। और अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हुए हैं, बस को रोका गया है थोड़ी देर के लिए कि सभी ब्रेकफास्ट कर लें। और गाइस ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी हम नरकोटा से रवाना हो चुके हैं। और नरकोटा रुद्रप्रयाग में ही पड़ता है और रुद्रप्रयाग से आगे सोनप्रयाग पड़ेगा। सोनप्रयाग भी हम जल्द ही पहुंचने वाले हैं। हालांकि हमारी ये उत्तराखंड फर्स्ट विजिट है, हमें इतना नॉलेज नहीं है। मेरे और मेरे फ्रेंड शुभम की ये उत्तराखंड में फर्स्ट विजिट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ब्लॉग। बहुत ही खूबसूरत दृश्य हैं पहाड़ों के, आप देख सकते हैं वीडियो में। और अभी सोनप्रयाग भी थोड़ी ही दूरी पर है। और गाइस अभी हमें सफ़र में करीब 5-6 घंटे हो चुके हैं और अभी हम सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। इतने बड़े बड़े पहाड़ और इतना खूबसूरत दृश्य। और अभी
सोन प्रयाग से बस सीतापुर बस स्टैंड तक जाएगी और सीतापुर बस स्टैंड से हमें आगे अपनी यात्रा पर पैदल ही तय करनी होगी। सो गाइस अभी मिलते हैं आगे। और बस के पहिए एकदम बड़ी बड़ी खाइयों के नज़दीक से जा रहे हैं और मेरा फ्रेंडशिप हम काफ़ी डर चुका है, आप देख सकते हैं सुंदर पहाड़, आकर्षक दृश्य, बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। और थोड़ी ही देर में हम सीतापुर बस स्टैंड भी पहुंचने वाले हैं। सीतापुर बस स्टैंड अभी लगभग 12-13 किलोमीटर रह गया है और काफ़ी जाम लगा हुआ है रोड पे। तो मिलते हैं गाइस आगे आपको सीतापुर बस। ये हमारे टिल्लो जी, ये हमारा टेंट है और ये मैं ठंड से बुरा हाल है, इस वक्त में सरवाइव कर पाने में असमर्थ हूँ। यह मेरे सारे तजुर्बे फेल हो रहे हैं धीरे धीरे और अभी मैंने सिर्फ एक शर्ट डाली है, ऊपर से एक कोट है। तो गाइस अभी कल -degree का सामना करना पड़ेगा, तो देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता है। बोला बाबा जय जय हर शंभू, जय बोले जय बोले।